चंडीगढ़ के चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इनकम्प्लीट किए जाने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने शहर के वाहन डीलरों के साथ मिलकर चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि प्रशासन ने शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दी है। वहीं इस इम्प्लीमेंट करने से पहले ना तो पार्षदों की राय ली है, बिना सोचे समझे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में जहां वाहन डीलरों की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। ये हमारे कांग्रेस के साथी आगे बढ़ के खड़े हैं, क्योंकि बाकी साथी यहाँ पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम आगे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। जो ये चंडीगढ़ प्रशासन एक नादिरशाही हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है, वो रोज नया से नया फैसला लेके आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उस पर लेकर आ गए हैं। रातों रात यहाँ पे कह दिया जी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लागू करो, बाकी की रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, चाहे वो आप टू व्हीलर है चाहे वो दूसरी गाड़ियाँ हैं। और गाड़ियों के हजारों के स्टॉक वहाँ पे खड़े हैं, 6,000 इंप्लॉयज इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पार्टी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, सारे सहमत हैं, सारे सहमत हैं इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन को, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी, तब भी हमने 31 पीएचडी चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था। और उसके बाद कैपिंग उसके बाद बंद हुई थी, हमने इसको एक्सटेंड कराया जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया। और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पर बैठी।